गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पांचवें दिन 7 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन के लिए मंगलवार को एक प्रत्याशी ने पर्चा लिया है। अभी तक कुल 32 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है, जिसमें से मंगलवार को 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 11 प्रत्याशियों ने 15 नामांकन किया है, जो कि 12 जनवरी तक चलेगा और 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी तक नाम वापसी होगा और 30 जनवरी को मतदान होगा व 2 फरवरी को मतगणना होगी। उन्होंने कहा, पूरा नामांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नामांकन करने आए प्रत्याशियों एवं अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, ले लीजिए, रुक जाओ, आइडिया निकाल ले लो। होंगी कोई ज्यादा वो नहीं, ज्यादा तो रहते भी नहीं है। हाँ, मान लीजिए अगर इसलिए 12 तारीख को प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ये अधूरा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो ये सब अधूरा है और इसलिए इसको कल नोटरी हर पेज नोटरीज होता है, ऐसा नहीं मत करिए भाई। ठीक है, नोटराइज होता हर पेज होता है। आपने तो ये थोड़ी नोटराइज की है, केवल एक एफिडेविट वाले में करा दिया। डॉक्टर शिव मोहन सिंह, सर आपने चुनाव के लिए नामांकन किया, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े? हम मेनली योग्यता और शिक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें ग्रेजुएट का रिप्रेजेंटेशन होना है शिक्षित लोगों के लिए, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है, तो हायर एजुकेशन और स्कूल में हर क्षेत्र में अच्छा प्रगति हो, उसी वही मेन मुद्दा है हमारा। स्नातक वर्ग है जो अभी बेरोजगार, उनके लिए जो भी हो सकता है वो होना चाहिए। उन लोगों को बेरोजगार हैं तो या तो उनको नौकरी मिले या सरकारी मिले या प्राइवेट मिले, या उनके लिए स्वतः रोजगार के लिए ज़्यादा संभावना बढ़े, लोग अपना बिजनेस कर सकें। मैं गोंडा जनपद से आया हूँ, वहाँ पे नवाबगंज के पास मेरा गाँव है अशोकपुर, और मैंने पढ़ाई इंग्लैंड में किया है, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद जर्मनी में पीएचडी किया है स्टेम सेल्स एंड कैंसर बायोलॉजी में, फिर यूएसए में और इंग्लैंड में और जर्मनी में काम किया है, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया देश की सेवा करने के लिए। इसी पर्पज़ से आया हूँ कि जो भी मैं बाहर सीखा हूँ विदेश में वो यहाँ आके यहाँ के मेडिकल कम्युनिटी, बायोटेक मेडिकल कम्युनिटी, कैंसर बायोलॉजी और इस सब फील्ड में जो भी सीखा है नई टेक्निक्स, वो यहाँ लोगों को हम नॉलेज ट्रांसफ़र करें, अपना उनको पढ़ाएं सिखाएं। सत श्री अकाल,
के लिए नामांकन करना है जी, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? शिक्षा क्या रहेगा, स्नातक वर्ग, शिक्षा, विकास, ऐसे टीचर है जो कम वेतन पे अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, पहला काम रोजगारी का वो करेंगे, शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, देश का विकास हो। चुनाव के लिए नामांकन चल रहा था, कितने प्रत्याशी कितने पर चल गया? आज 10 तारीख को जो है एक प्रत्याशी ने जो है फार्म लिया है, इसके अलावा आज जो है 7 प्रत्याशियों ने जो है अपने नामांकन यहाँ दाखिल किए हैं, जिसमें शशिकला, अविनाश प्रताप, करुणाकांत, रजनीश पटेल, दिलीप कुमार गौतम, सिमोहन सिंह, अवंतिका मिश्रा। इसमें करुणाकांत जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब तक जो है 11 प्रत्याशियों ने 15 नामांकन किए गए, टोटल फार्म जो है अभी तक जो है 32 लोगों ने लिया है। सर आगे क्या प्रक्रिया? भी पहले 12 तारीख तक नामांकन पूरा हो जाए, उसके बाद इनका मतपत्र का बनाया जाता है 13 तारीख को के बाद जो है, और उसके बाद जो है 30 तारीख को जो है 16 जनवरी को नाम वापसी का तिथि है, और उसके बाद 30 जनवरी को चुनाव होगा।